नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के लिंक में ऐड कर दूंगा। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लें। स्टूडेंट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इस वीडियो के अंदर हम मेनली दो टॉपिक करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका इमेजिनरी क्वांटिटीज़। फिर सेकंड टॉपिक आपका है स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट, हम इन दोनों टॉपिक का पहले बेसिक करेंगे कि इन दोनों टॉपिक्स में है क्या, फिर हम इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और ये दोनों टॉपिक स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट टू इस वीडियो में डाल रहा हूँ मैं, ये क्लास 11th से लेके और किसी भी कंपटीशन में काम आने वाली वीडियो है स्टूडेंट, तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, सभी लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला टॉपिक अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, इमेजिनरी क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट इमेजिनरी क्वांटिटीज़ के अंदर है क्या, इमेजिनरी क्वांटिटीज़ के अंदर स्टूडेंट मेनली एक फॉर्मूला आता है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू, ये रहता है स्टूडेंट माइनस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स। क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, दोबारा सुन लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट क्या रहता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर अपने ए और बी को मल्टीप्लाई करें और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस कहाँ से आया, इसका हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इस फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल वे में आपको ये फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ। क्या है, जैसे ये माइनस ए है और इनटू में क्या है, माइनस बी है। तो इस माइनस ए को स्टूडेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वन इंटू ए। और इसी तरीके से माइनस बी को लिख लिया मैंने माइनस वन इंटू बी। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है ये, तो कि माइनस वन की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में आपको बता दी थी कि आइटा होती है। माइनस वन की वैल्यू क्या होती है, आइटा। इंटू में क्या पड़ा है, अंडर रूट ए पड़ा है, क्योंकि माइनस वाला पार्ट तो आ गया बाहर, अब अंदर क्या रह गया, सिर्फ पॉजिटिव अंडर रूट ए रह गया। इसी तरीके से यहाँ स्टूडेंट माइनस वन को वापस क्या लिख लेंगे, आइटा लिख लेंगे, और अंडर रूट बी वाला पार्ट जो आपका वो पॉजिटिव रह जाएगा। तो आइटा इंटू आइटा स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा। आइटा इंटू आइटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आइटा स्क्वायर हो जाएगा। आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, और यहाँ क्या रह जाएगा स्टूडेंट, ए इंटू बी। और आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो ये बन गया आपका माइनस अंडर रूट ए इंटू बी। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ प्रूफ करवा दिया कि कोई स्क्वायर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर्स हैं, अगर अपनों ने उनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर जो अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं अगर अपनों ने उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, ए बी पॉजिटिव रह जाएगा। ये आपको फॉर्मूला इस तरीके से लर्न करना है। तो स्टूडेंट ये था इमेजिनरी क्वांटिटी का बेसिक। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन रहता है स्टूडेंट आपका -144। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने कि -144 की वैल्यू क्या आएगी। तो बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। -144 है तो डायरेक्ट आपको, जैसे कि पहले बताया कि जो भी नेगेटिव नंबर्स आपके आते हैं इसके अंदर, उसको आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे -1 × 144। क्या लिख लेंगे उसको, -1 × 144 लिख लेंगे। उससे क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस वन की वैल्यू बन जाएगी आइटा। माइनस वन की वैल्यू क्या बन जाएगी स्टूडेंट, आइटा बन जाएगी, और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा अपना, 144 रह जाएगा। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट, क्या अपने पास ये जो माइनस वन है, माइनस वन की वैल्यू बन गई आइटा, और अंडर रूट में क्या रह गया, 144। तो बहुत सिंपल आंसर आ गया इसका, आइटा तो आ गया बाहर और 144 को लिख लेंगे आप 12। तो इसको लिख सकते हैं अपने 12 आइटा। ये आपका क्या बन गया,
आंसर बन गया स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर टू। सेकंड क्वेश्चन आपका है -4 × अंडर रूट के अंदर -9/4। ये आपका क्वेश्चन है और इसको अपनों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो आपको क्या करना है, उनको पॉजिटिव बनाना है। तो -1 × 4 लिख लेंगे इसको स्क्वायर रूट के अंदर, इंटू इसको भी ऐसे लिखेंगे -1 × 9/4, और ये भी पूरा क्या आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। तो इस -1 को क्या लिख लेंगे, आयटा, और यहाँ बन जाएगा आपका 4। -1 को क्या लिख लेंगे, आयटा, और ये क्या बन जाएगा आपका 4। इस -1 को भी क्या लिख लेंगे, आयटा, और ये रूट के अंदर बन जाएगा आपका 9/4। तो आयटा इंटू आयटा स्क्वायर आपका क्या बनने वाला है, आयटा इंटू आयटा आपका आयटा स्क्वायर बनने वाला है, और इसके साथ स्क्वायर रूट में आपका आ गया 4 × 9/4। 4 × 9/4, ये 4 से 4 हो गया कैंसिल स्टूडेंट्स, और 9 का अंडर रूट क्या आ गया, 3, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1, और 9 का अंडर रूट क्या आ गया, 3। तो वैल्यूज जो आपकी बनी वो बन गई -3। तो हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिख दिया मैंने। क्या है क्वेश्चन, -√-25, देन 3√-4, फिर प्लस में 2√-9। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, इनको आपने क्या करना है, -1 × 25 लिखना है। ये लिख लिया, प्लस में यहाँ 3 पड़ा है, इसको भी क्या लिखा, -1 × 4, फिर ये 2 पड़ा है, इसको भी क्या लिखा, -1 × 9। बहुत इजी से वे में आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट, समझ आ रहा होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। -1 × 25 लिख लिया, -1 × 4 लिख लिया, -1 × 9 लिख लिया। और स्टूडेंट जब आपकी इस इन क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे आप, आयटा अंडर रूट 25, फिर ये 3 पड़ा है, यहाँ से बन गया आयटा अंडर रूट 4, ये 2 एज इट इज़ है स्टूडेंट। -1 को लिख लेंगे आयटा अंडर रूट 9। तो मैंने हर स्टेप में क्या किया स्टूडेंट, -1 को लिखा आयटा, फिर यहाँ -1 को लिखा आयटा, और यहाँ फिर -1 को क्या लिखा, आयटा। तो यहाँ अंडर रूट 25 क्या होता है स्टूडेंट, 5 होता है, तो ये बन गया आपका 5 आयटा। यहाँ अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 कितना होता है स्टूडेंट, 2, 2 3 जा 6 आयटा, और अंडर रूट 9 कितना होता है, 3, 3 2 जा 6 आयटा। तो ये आपका बन गया स्टूडेंट 6 और 6 12 + 5 17 आयटा। ये आपका इस थर्ड क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया स्टूडेंट। सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकेंड टॉपिक आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सेकंड टॉपिक पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेकंड टॉपिक आपका इस वीडियो का ये रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वीडियो का बेसिक देखते हैं, इस टॉपिक का बेसिक देखते हैं स्टूडेंट, क्या है इसमें स्टूडेंट। आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट जेड से, और जेड को लिखते हैं हम a प्लस आयटा बी, या कई बार लिख लेते हैं एक्स प्लस आयटा वाई, यानी कि कोई भी यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट यानी कि ए और बी या एक्स और वाई क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए स्टूडेंट। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तभी जब ये ए और बी क्या होंगे स्टूडेंट, रियल नंबर होंगे, क्योंकि आयटा यहाँ पे क्या आ गया, एज ए इमेजिनरी नंबर आ गया आयटा कॉम्प्लेक्स नंबर के को बनाने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है स्टूडेंट जेड इजिकल टू ए प्लस आयटा बी, या फिर जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयटा वाई। यहाँ ए और बी क्या रहने चाहिए, रियल नंबर रहने चाहिए। अब स्टूडेंट इसके अंदर नेक्स्ट बात क्या आती है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रियल पार्ट ऑफ जेड रहता है स्टूडेंट ए, या सेकेंड की बात करें तो एक्स, पहले वाले पार्ट में बात करें तो ए, और सेकंड वाले पार्ट में बात करें तो एक्स। ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट, रियल पार्ट क्या रहता है, वो पार्ट होता है जिसके अंदर आयटा नहीं है, वो पार्ट होता है जिसके अंदर आयटा नहीं है। तो इसके अंदर आयटा नहीं है ए के अंदर, और एक्स के अंदर भी आयटा नहीं है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन गया आपका, रियल पार्ट ऑफ जेड बन गया।
एक रहता है स्टूडेंट इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो होता है जिसके साथ आइटा मल्टीप्लाई में है, जिसके साथ आइटा मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे बी या वाई कुछ भी लिख सकते हो आप। बी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आ गया और वाई सेकेंड वाले पार्ट में आ गया। तो रियल जेड और इमेजिनरी जेड दो चीज़ें हैं यहाँ पे। रियल जेड वो होगा जिसके साथ आइटा मल्टीप्लाई में नहीं है, और इमेजिनरी जेड वो होगा जिसके साथ आइटा मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट टर्म आती है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके अंदर हमारे पास बात आती है प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर का मतलब ये है कि स्टूडेंट जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर हो ही ना, जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट ना हो। ना हो का मतलब ये है कि अगर z की वैल्यू ऐसी हो a प्लस आइटा इंटू ज़ीरो, या फिर मैं ये कह दूं कि z की वैल्यू क्या हो, डायरेक्ट a हो सिर्फ, जिसमें इमेजिनरी पार्ट पूरा का पूरा क्या हो, ज़ीरो हो। इमेजिनरी पार्ट अगर ज़ीरो है यानी कि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो वो नंबर क्या रहेगा, प्योरली रियल नंबर रहेगा। दूसरी बात अगर अपने करें कि क्या रहता है दूसरी पार्ट में कि प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर वो होता है स्टूडेंट जिसमें मैं लिख दूं जेड इजकल टू ज़ीरो प्लस आइटा बी। मतलब इमेजिनरी नंबर प्योर कौन सा है जिसमें रियल पार्ट ज़ीरो है। दोनों में फ़र्क देखिए, प्योरली रियल नंबर क्या है जिसमें इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है, और प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या है जिसमें रियल पार्ट ज़ीरो है। यानी कि जेड को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट आइटा इंटू बी, ये आपका क्या रहेगा प्योरली इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या रहेगा प्योरली रियल नंबर पार्ट। अब आपने स्टूडेंट एक बात ज़रूर देखी होगी इसके अंदर कि जो ए है वो रियल पार्ट है और बी क्या है, वो भी क्या है, रियल पार्ट है। तो अगर मैंने लिखा जेड इजिकल टू थ्री, बाई एग्जाम्पल लिखा जेड इजिकल टू थ्री, तो जेड को आपने क्या लिख सकते हैं, थ्री प्लस आइटा इंटू ज़ीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा था z को लिखा हमने 3 प्लस आइटा इंटू ज़ीरो, तो एक बात यहाँ से ये निकल के आती है कि कोई भी रियल नंबर है उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रियल नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया, क्या निकल के आया स्टूडेंट पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी के सभी जो रियल नंबर हैं वो किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब रियल नंबर जो है वो छोटा है और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बड़ा है। तो R जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं R को, R इज अ सबसेट ऑफ C, R इज ए सबसेट ऑफ C। यानी कि R किसके अंदर कंटेन करता है, R कंटेन करता है किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन का मतलब ये निकला एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी के सारे जो रियल नंबर हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो सभी के सभी रियल नंबर किसके अंदर कंटेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी के C के अंदर कंटेन करते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस की। हाँ जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका माइनस फाइव आइटा इंटू वन बाय एट आइटा। तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे हम। सबसे पहले आप आइटा और आइटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइटा और आइटा को मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, आइटा स्क्वायर। दोबारा सुन लीजिए, आइटा और आइटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, आइटा स्क्वायर। ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, फाइव बन जा फाइव अपॉन में एट। बिल्कुल सिंपल बात है, माइनस बाहर आ गया, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर कर दिया, फाइव बन जा क्या कर दिया, फाइव। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस वन। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो यहाँ बन गया माइनस इंटू माइनस वन इंटू फाइव अपॉन एट, ये बन गया माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ वैल्यू आ गई आपकी फाइव अपॉन में एट। स्टूडेंट वैल्यू फाइव अपॉन एट आई है, अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करनी है। तो इसके साथ अपने लिख सकते हैं ज़ीरो आइटा, क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो आइटा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ए हमारे पास है, बी नहीं है, तो बी की वैल्यू हम क्या लिख देंगे,
जीरो। तो ये आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं हमारा, सेकंड क्वेश्चन ये है माइनस आयटा इंटू टू आयटा इंटू माइनस वन बाय आयटा की क्यूब। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, इसको भी हमने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में फुल एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला कि आयटा और आयटा का क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन गया माइनस, तो ये वाला आ गया आयटा स्क्वायर आ गई, आयटा स्क्वायर इनटू में क्या पड़ा स्टूडेंट, टू पड़ा आपके पास। इस माइनस की आप जब क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, वन की क्यूब करोगे तो वन बनेगा, और एट की क्यूब करोगे तो क्या बनेगा 512। एट की क्यूब करोगे तो क्या बनेगा 512 बनेगा। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट क्या किया हमने, आयटा और आयटा को मल्टीप्लाई किया, आयटा स्क्वायर ये माइनस एज इट इज़, ये टू एज इट इज़, माइनस की क्यूब की माइनस, वन की क्यूब की माइनस वन, आठ की क्यूब की 512 और आयटा की क्यूब की तो आयटा क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट माइनस माइनस तो क्या हो गया, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आयटा स्क्वायर और आयटा क्यूब क्या बन गई आपके पास, आयटा की पावर 5 बन गई, आयटा स्क्वायर और आयटा क्यूब बन गई आपके पास आयटा की पावर 5। ये हो गया इससे कैंसिल, ये बन गया आपका 256। तो इसको आप सीधा लिख सकते हो 256 डिवाइड में आ गया आयटा की पावर 5। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि अगर आयटा की पावर 5 है उसको हम लिख सकते हैं आयटा की पावर 4 इंटू 1, ये बन जाता है स्टूडेंट 1, और ये आयटा की पावर जब 1 है आपके पास तो इसको क्या लिख लेंगे आप आयटा। तो ये आपका रह गया 1 आयटा अपॉन में 256, क्या बन गया आपके पास 1 आयटा अपॉन में 256। इसके साथ स्टूडेंट अब क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे सिर्फ, क्या लगाएंगे सिर्फ जीरो, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है a प्लस आयटा b है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये वाला टर्म है सेकंड वाला आयटा इंटू 1 बाय 256, ये चीज़ है हमारे पास, a नहीं है तो a की जगह क्या लिख दिया हमने जीरो। ये आपका क्या है करेक्ट आंसर आ गया इसका सेकंड पार्ट का। तो हमने दो क्वेश्चन कर लिए जिसमें हमने आयटा को क्या करना था, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि a प्लस आयटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 माइनस आयटा की पावर 4, 1 माइनस आयटा की होल पावर कितनी 4। तो इसको अपनों ने बहुत ईजी वे में सॉल्व करना है, तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस आयटा की स्क्वायर और उसकी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए 1 माइनस आयटा की स्क्वायर और उसकी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, इस पावर 2 को आप पढ़ा रहने दीजिए, बाहर वाली 2 को सेम रख दिया मैंने, यहाँ लग गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत ईजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ इसको अपने अप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब आयटा की स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो ये क्या बन गया 2 आयटा। इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया, अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, माइनस 1 होती है, और ये क्या है हमारे पास प्लस 1, तो ये हो गया कैंसिल, ये क्या बन गया आपका माइनस 2 आयटा की पावर 2। दोबारा सुन लीजिए क्या बन गया, हमने क्या किया 1 माइनस आयटा की पावर 4 थी, इसको स्क्वायर की स्क्वायर लिख लिया, अंदर a माइनस बी की होल स्क्वायर को, a माइनस बी की होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, ये प्लस 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बच गया आपका माइनस 2 आयटा की स्क्वायर। तो बेटा माइनस की स्क्वायर क्या बन जाएगी प्लस, और 2 की स्क्वायर क्या बन जाएगी 4, और आयटा की स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, यानी कि आयटा की स्क्वायर क्या बन जाएगी माइनस 1, तो ये आपका बन गया माइनस 4, ये आपका क्या बन गया माइनस 4। जब ये आपका माइनस 4 बन गया तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है a प्लस आयटा b है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है a प्लस आयटा b, तो a की जगह तो आएगा माइनस 4, आयटा एज इट इज़ b की जगह क्या आएगा 0, तो ये आपकी क्या बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 अपॉन 3 प्लस 3 आयटा की पावर 3। तो यहाँ आपका एक फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल क्यूब,
ए प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। चाहे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वो भी एक ही बात है स्टूडेंट, सेम ही फॉर्मूला है। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे इसको, ये ए है आपका और ये क्या है, बी है पूरा। तो यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे, ए की क्यूब मतलब 1/3 क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 3 आयटा क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ए कितना 1/3 प्लस बी कितना 3 आयटा। तो ये हमने सेम लिखा, फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, उससे क्या बना स्टूडेंट्स, 1 की क्यूब 1 और 23 की क्यूब क्या 27, 3 की क्यूब क्या 27 प्लस 3 की क्यूब वापस 27 और आइटा की क्यूब यहाँ बन जाएगी आइटा क्यूब। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3 आइटा और अंदर आपका एक बार ये सेम 3 आइटा। बिल्कुल समझ में आ गया ये। अब आपका आगे देखिए, 1/27 आइटा क्यूब को क्या लिखते हैं स्टूडेंट, माइनस आइटा लिखते हैं। बताया हुआ है आपको आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा होता है। कैसे होता है, आइटा क्यूब को लिखा आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आइटा, तो ये क्या बन गया माइनस आइटा। तो ये सेम आइटा क्यूब को लिखा माइनस आइटा, यहाँ पड़ा है आपके पास 27। इस 3 आइटा को आप दोनों जगह अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 होगा कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास 1 आइटा, क्या बचेगा आपके पास 1 आइटा। और जब आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के साथ तो 3 3 9 आइटा इंटू आइटा क्या बन जाएगा, ये आइटा स्क्वायर। और नेक्स्ट आपका आइटा स्क्वायर जो है, आइटा स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा माइनस वन। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ये 1/27 मैंने सेम लिखा, इस आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी माइनस वन, ये बन गया आपका माइनस नाइन, इसको मैंने लिखा पहले। और इसमें सॉल्व किया तो ये बन गया माइनस का 26 आइटा, क्योंकि ये 27 आइटा है और ये प्लस का 1 आइटा है, तो ये बन गया माइनस 26 आइटा। क्या किया मैंने स्टूडेंट, मैं अभी से ए प्लस आइटा बी इसको अलग अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो जिसमें आइटा था उसको अलग कर दिया, जिसमें आइटा नहीं था उसको अलग कर दिया। इसका ले लेंगे स्टूडेंट एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे 27 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा 1-243, 27 9 क्या होता है 243 होता है, तो 26 आइटा सेम रहेगा आपका, ये बन गया आपका माइनस का 242 अपॉन में 27 माइनस 26 आइटा, ये आपका सेम रहेगा। तो स्टूडेंट आपके इस वीडियो के अंदर दो टॉपिक पूरे हो गए हैं स्टूडेंट, इमेजिनरी क्वांटिटीज़ और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो टॉपिक आपके इस वीडियो के अंदर पूरे हो गए। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सेकेंड पार्ट था, जल्दी ही आपके सामने थर्ड पार्ट लेके आने वाला हूँ। धीरे धीरे करके 11th क्लास के सारे टॉपिक पूरे होंगे और जो भी मैथ्स से रिलेटेड कंपटीशन में टॉपिक्स आने वाले हैं वो जल्दी जल्दी सभी की वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं। तो बने रहिए स्टूडेंट इस चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ आया, कुछ अच्छी लगी, तो इस वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स स्टूडेंट्स।